जोहार। 148 दिन के बाद लैंड एंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को जैसे ही जमानत मिली, वैसे ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अभी हम लोग झुमरी तिलैया के झंडा चौक के पास है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरकट्ठा के पूर्व विधायक जानकी जी। चलिए उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना खुश है आज जेएमएम के कार्यकर्ता। जेएमएम के कार्यकर्ता सिर्फ नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता, न्यायप्रिय जनता और पूरे देश की न्यायप्रिय जनता आज खुश है कि जिस झारखंड के कद्दावर नेता, राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जिस षड्यंत्र और साजिश के तहत फंसाया गया और उन्होंने भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं किया, जेल जाना पसंद किया, आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें जमानत मिली है। इस जमानत मिलने से निश्चित तौर पर न्यायपालिका के प्रति लोगों का और आस्था और विश्वास बढ़ा है। न्यायपालिका को भी बधाई देता हूं, आप सभी मीडिया भाइयों को और सभी राजनीतिक दल के नेता जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो न्याय में विश्वास करते हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया, आज हाई कोर्ट ने बेल दिया, ये साबित हो गया कि गलत तरीके से इनको फंसाया गया। लेकिन विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं अभी सिर्फ बेल मिला है, अभी न्यायिक जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। बेल ही एक प्रक्रिया है, वो बिना प्रक्रिया की ही बात करते हैं। बेल मिलना, जमानत मिलना ही प्रक्रिया है और जो बेल मिल गया, जेल से बाहर आ गए, तब आगे भी उनको जितना षड्यंत्र करना है वो करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न्यायपालिका कल भी देश में थी, आज भी है और कल भी रहेगी, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक नारा दिया था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, आज छूट गया है क्या? झारखंड की और नहीं झुकने वाला वीर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी, झारखंड की झांसी श्रीमती कल्पना सोरेन ने पूरे देश में इस संदेश को ले गई, चाहे वो इंडिया गठबंधन का रैली दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र के बॉम्बे में हो, उन्होंने उस स्टेज पर कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और निश्चित तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जेल का ताला, जेल का चाबी खोल दिया और हेमंत सोरेन निकल गए हैं। इसलिए सभी लोगों को सबसे पहले बधाई देता हूं, आप सभी लोगों को और पूरे राज्य और पूरे देश में जो एक नया संदेश गया है कि गलत तरीके से फंसा करके किसी को भी बहुत ज्यादा दिन तक परेशान नहीं किया जा सकता है, बहुत दिन तक नहीं रखा। अखबार में खबरें चल रही है कि अक्टूबर में ही झारखंड में दो स्टेट के साथ और झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव हो सकता है। एक तरफ कल्पना सोरेन थी, अब हेमंत सोरेन भी आ गए हैं, तो कितना मजबूत होगा आप लोगों का जेएमएम और विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी? जेएमएम और इंडिया गठबंधन झारखंड में बहुत मजबूत है। आज इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड में सरकार है, आने वाले दिनों में इससे और ज्यादा मेजोरिटी से झारखंड में इंडिया और गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। वो लोग जो कह रहे हैं चुनाव कब होगा, ये संवैधानिक परंपरा है, जब पिछले बार चुनाव नियत समय पर हुआ था उस समय यहाँ भाजपा की सरकार राज्य में भी थी और केंद्र में, तो मैं समझता हूँ जो परंपरा चला रहा है चुनाव आयोग निश्चित समय पर चुनाव कराएगा। अगर यदि चुनाव आयोग के पास चुनाव जब करावे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही चुनाव के लिए तैयार है। अच्छा, आखिर आप लोग बात कर रहे हैं लेकिन लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सीट ही आप लोग जीत पाए, जनरल सीट में कहीं खाता नहीं खुल पाया, तो कहाँ चूक रह गई आप लोग? हम लोगों ने लोकसभा भी बड़ा मजबूती से लड़ा और लोकसभा के पैमाने चुनाव के कुछ और होते हैं, वो पूरे देश के पैमाने पर, देश के स्तर पर चुनाव होता है, लेकिन यह विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा राज्य के पैमाने पर, राज्य के परिदृश्य पर, राज्य में जो कौन किसने विकास किया, राज्य में 1932 का सवाल किसने दो दो बार विधानसभा में लाया, किसने ओबीसी आरक्षण 27% का प्रस्ताव विधानसभा में लाया, किसने सरना कोड लाया, और आज आप देख रहे हैं जो महिलाओं को, जिनको 60 साल में भी पेंशन नहीं मिल पाता था,
उनको 50 साल में पेंशन, और अभी सभी बेटियों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को अब 25 साल से 50 साल तक की सरकार 1-1 हजार रुपया उनके खाते में देने जा रही है। इस तरह का विकास का काम जो अभी हुआ है झारखंड में वो कभी नहीं हुआ था, इसलिए झारखंड की जनता इन सारी चीजों को देख रही है कि झारखंडियों के लिए हमारी कौन सरकार है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए, अल्पसंख्यक दलित पिछड़ों शोषितों के लिए हमारा कौन रक्षक है, कौन विकास का काम कर सकता है, कौन विकास के लिए सोच सकता है, तो वो सिर्फ श्री हेमंत सोरेन हैं। और हेमंत सोरेन अब पिंजड़े से बाहर आ गए हैं, निश्चित तौर पर अब एक से एक आप देखेंगे कि आप मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे और आने वाले दिन में और अधिक ऐतिहासिक मेजोरिटी के साथ यहां सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष है, 148 दिनों के बाद जैसे ही जेल से रिहा हुए हैं, वैसे ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए थे जो पूर्व विधायक है बरकट्ठा के जानकी प्रसाद यादव, जो मुद्दे पे भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।